पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लखनऊ के इको गार्डन पर अन्य जनपदों जैसे बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बुलंदशहर आदि से आए बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन भी जमकर नारेबाजी की और शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें नियुक्ति नहीं दी गई तो हम सब उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों को 7 वर्षों से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीएटीएटी 2011 की पात्रता अर्हता सारी पूरी रखता हूँ। 7 दिसंबर 2012 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 72,825 पद के सापेक्ष विज्ञापन निकाला था, जिसमें हम लोगों के लगभग 300 करोड़ रुपए जमा है और हम लोगों ने आवेदन किया था पूरे प्रदेश में 75 आवेदन किया था और जो विज्ञापन हमारा चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आदेश दिया और कहा कि नया विज्ञापन 7/12/12 वैध है, जिस पर एक दिन काउंसलिंग भी हुई है। आप सरकार अगर चाहे तो प्रदेश में रिक्तियों को देखते हुए रिक्तियों के सापेक्ष 7/12/12 विज्ञापन के तहत 72,825 पद पर नियुक्ति कर सकती है, काउंसलिंग करा के उन्हें नियुक्ति दे, लेकिन सरकार आज तक चुप्पी साधी है। तब जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक का भारी अभाव है और शिक्षा अधिकार अधिनियम पूरी तरह से लागू है, उसके बाद भी सरकार चुप्पी साधी है। हम लोगों को आवेदन किए 7 साल हो गए हैं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए और अंततः हम अपना अधिकार लेके जाएंगे। और आदरणीय आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम शासन को संदेश देना चाहते हैं कि करबद्ध निवेदन है, बिना कोई दंगा फसाद धरना विद्रोह आंदोलन किए करबद्ध निवेदन है कि कृपया रिक्तियों को देखते हुए, हम लोगों की पात्रता अर्हता योग्यता को देखते हुए, हम लोगों के पक्ष में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको देखते हुए कृपया नियुक्ति करके हम बेरोजगारों को 72,825 पद पर संघीय प्राथमिक पाठशाला में नियुक्ति करें।